अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं इस इनविटेशन के लिए शुक्रिया कहना चाहूँगी कि यहाँ मुझे इस्लामोफोबिया पे बात करने के लिए बुलाया गया है, और मुझसे पहले कई लोग इसके ऊपर बोल चुके हैं और इस्लामोफोबिया के ऊपर काफ़ी बल्कि बात की जा रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अभी मेन स्ट्रीम में ये डिस्कोर्स अभी आया नहीं है, अभी भी हमारी स्पेसेस लिमिटेड है। तो एज मुस्लिम्स, और क्योंकि हमारा टाइटल भी है मुस्लिम रिस्पॉन्स टू इस्लामोफोबिया, सो आई थिंक द लीस्ट दैट वी कैन डू इज़ कीप टॉकिंग अबाउट इट, कि इस्लामोफोबिया के बारे में हम बात करते रहें, रुके ना। इवन दो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट पर्टिकुलरली लाइक दिस टर्म, उनको कुछ इससे एतराज़ है कि हर चीज़ के लिए ये टर्म यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर जगह इस्लामोफोबिया का टर्म ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई भी रैशनल आर्ग्यूमेंट कोई दे नहीं सकता, और उस रैशनैलिटी के पीछे छुप कर जो है कई लोग अपना इस्लामोफोबिया सामने रखते हैं। तो आई थिंक ये करते हुए मेरा लेक्चर शुरू ही हो गया है कि कई लोग हमारे आसपास जो हैं, और विद इन मुस्लिम्स भी, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं है, कई लोग ये बोलते हैं कि हमें रैशनल होने की बहुत ज़रूरत है और हर चीज़ को क्रिटिकली देखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो एज लॉन्ग एज हम इस्लाम पर भी क्रिटिकल और रैशनल कमेंट्स कर रहे हैं, उसको इस्लामोफोबिया टर्म कर कर हम शन नहीं कर सकते। लेकिन यूजुअली देखा जाए तो उनकी तरफ से जो भी क्रिटिसिज्म, स्पेशली इंडिया में जब इस्लाम के लिए आता है या मुस्लिम्स के लिए आता है, वो इस्लामोफोबिक होता है। और मैं ये इसलिए कहूँगी क्योंकि हम हर जगह एक सोशल मिलियू का पार्ट होते हैं, हमारे आसपास एक सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑपरेट कर रहा होता है। एक बात जो हम दुनिया की किसी एक जगह कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी जगह भी उतनी ही नॉन प्रॉब्लमेटिक हो, और पावर स्ट्रक्चर्स हर जगह अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। इंडिया में पावर स्ट्रक्चर डिक्टेट ये करता है दैट द नॉन मुस्लिम सेल्फ इज द मेन स्ट्रीम एसेंशियल सेल्फ ऑफ इंडिया, और मुस्लिम एक परपेचुअली एक अदर की कैटेगरी है। जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो अदर है, और जो नॉन मुस्लिम इंडियन, एसेंशियली जिसको इंडियन माना जाएगा, वो एक नॉन मुस्लिम आइडेंटिटी है। तो जब इस तरह का पावर स्ट्रक्चर ऑपरेट कर रहा होता है, जब मुस्लिम होना ही एक मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटी है, तब वहाँ पर आप रैशनली दोनों साइड्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर ही नहीं है। एक है सेंटर और दूसरा है मार्जिन। तो आप सेंटर में बैठकर मार्जिन्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो मार्जिन्स को जो है सेंटर में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उनको सेंटर में उतनी ही जगह दी जाए। आप एब्जॉर्ब से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको इस तरह अपना बना लें कि उनमें अपना कुछ बचे ही ना, जिस पर अब मैं आना चाहूँगी, जो कि इंडिया में हमने देखा है अक्सर होता हुआ, कि जब आप एक अदर की कैटेगरी होते हैं, जैसे बीइंग द मुस्लिम इज बीइंग द अदर इन इंडिया, तो आप मेन स्ट्रीम का पार्ट होने के लिए आप एक्सेप्टेंस का एक ही जरिया आपके पास होता है कि आप असिमिलेट कर जाएं। तो मेन स्ट्रीम में जब कई लोग असिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप खुद की जो आपकी आइडेंटिटी है आप उससे डीफेमिलराइज हो जाएं, और जो मेन स्ट्रीम आइडेंटिटी मार्कर्स हैं उससे आप खुद को फेमिलराइज कर लें और उनको ही अपने लिए अडेप्ट कर लें अपने लाइफस्टाइल में। तो ये करते करते जो स्पेशली द एलीट सर्कल्स ऑफ मुस्लिम्स, जो कि सेम वो जगह ट्रेवल्स करते हैं, जो स्पेस उन्हीं स्पेसेस में हैं जो कि हमारी नॉन मुस्लिम मेन स्ट्रीम लोग जिन स्पेसेस में आगे बढ़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमें असिमिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनने के लिए, एक उस एक्सेप्टेंस के लिए। तो जितनी कोशिश आप असिमिलेट करने के लिए करते चले जाते हैं, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप उसका मतलब ये मान के चला जा रहा है कि आप अपनी खुद की पिचेस द मुस्लिम आइडेंटिटी, उससे अपने आप को कितना ज़्यादा आप डिस्टेंस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप रिमूव उससे अपने आप को कर सकते हैं। तो ये इंडिया में होता आया है कि मुस्लिम आइडेंटिटी मार्कर्स जो हैं, लोग उससे दूर जाकर
समझते हैं कि यही एक रैशनल तरीका हुआ जीने का, तो उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी इतना ज़्यादा श्रिंक हो जाती है कि वो जिस चीज़ में भी ज़्यादा इस्लाम नज़र आएगा उसको थोड़ा दबाने की कोशिश करेंगे, और उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी जो है रेखता के फेस्टिवल्स, उर्दू शायरी, बिरयानी और ईद तक महदूद होकर रह जाती है, जिन ईद फेस्टिवल्स पर वो अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को बुला सकें। और ये ईद भी मीठी ईद होनी चाहिए, बकर ईद नहीं, बिकॉज दैट विल स्टिल बी अ टबू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, जो कि हमारा इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया बाहर लेकर आती हैं, क्योंकि हमने खुद भी ये मान लिया है कि एवरीथिंग मुस्लिम इज़ नेचुरली रिग्रेसिव एंड एवरीथिंग दैट यू डू दैट पुल्स यू अवे फ्रॉम द मुस्लिम आइडेंटिटी इज बाय डिफॉल्ट समथिंग दैट यू डूइंग विद अ क्रिटिकल माइंड, रैशनल माइंड। और ये जो क्लास ऑफ मुस्लिम्स हैं, मतलब मैं इन पर कोई इस तरह का अटैक नहीं करना चाह रही हूँ, बट आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ मेमोआर्स जो मैंने अपनी रिसर्च के लिए पढ़े और ऐसे कई लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ। ये मेरा कोई रिएक्शनरी या रिएक्टिव मेरा कॉमेंट नहीं है, कोई अटैक नहीं है, बट ये जो क्लास ऑफ मुस्लिम्स है जिन्होंने बहुत ही डेलिबरेटली एक कल्चरल मुस्लिम होने की आइडेंटिटी क्यूरेट की है खुद के लिए, ये इस आइडेंटिटी से बाहर नहीं आना चाहते, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत से उसको बनाया है। लेकिन जब आप इनके सामने आते हैं विद समथिंग दैट इज टू विजिबली मुस्लिम इन यू, तब ये आपको भी एडवाइस करेंगे कि आप थोड़ा सा उसको टोन डाउन कर लें, इतना ज़्यादा विजिबल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये इनकी परपेचुअल एडवाइस आपके लिए रहती है, और ये भी आपसे थोड़ा सा डरने लग जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने वही बात बोली जो कि आप बोल रहे हैं, या फिर आपके साथ अगर ये खड़े हो गए बिना ये पॉइंट रखे कि मैं तुम्हारी इन चीज़ों के साथ अग्री नहीं करता या करती, तो ये भी आपकी ही कैटेगरी में आ जाएंगे, विच इज़ अज्यूम टू बी द कैटेगरी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी मुस्लिम। मतलब आप रैशनल नहीं हैं, क्योंकि अदरवाइज वाई वुड यू यू नो मूव अराउंड इन द मेन स्ट्रीम वर्ल्ड टॉकिंग टू मच लाइक अ मुस्लिम और लुकिंग टू मच लाइक अ मुस्लिम, लाइक वाई इज़ देर अ नीड फॉर दैट इनके हिसाब से। और ये आपको बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करते रहते हैं क्योंकि ये खुद उस कैटेगरी से बाहर आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो बेसिकली चीज़ ये है कि ये अपनी इंडियननेस को कंटिन्यूसली प्रूव कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि इंडियन और मुस्लिम होना एक 50-50 का रेशियो है, जिसमें अगर आप थोड़े से ज़्यादा मुस्लिम अगर हो गए तो वो रेशियो डिसबैलेंस हो जाएगा, आप थोड़े कम इंडियन हो जाएंगे। अगर आप और ज़्यादा मुस्लिम हो गए आप और इंडियन कम हो जाएंगे, और आप जितना ज़्यादा अपनी इंडियन मार्कर्स को हाईलाइट करेंगे, और ये मान के चलते हैं, ये खुद भी ये मान के चलते हैं कि जो भी इंडियन मार्कर्स हैं दे आर नॉट सिनोनिमस टू द मुस्लिम मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा जो कि एसेंशियल इंडियन सेल्फ है वो एक हिंदू सेल्फ है, और जो अदर है दैट इज़ द नॉन हिंदू आइडेंटिटी, और इस्पेशली द मुस्लिम आइडेंटिटी करंटली, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये लोग आपके एक्सट्रीम लुकिंग पाथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपसे बोलेंगे आप थोड़ा टोन डाउन कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं थोड़ा सैनिटाइज करके बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हार्शली भी बोला गया है इसके ऊपर, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट ऑफन, तो यहाँ पे आई विल लेट इट गो, क्योंकि मैं उनकी साइकोलॉजी भी थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब वो अज्यूम कर लेते हैं कि यू नो आई एम ट्राइंग टू प्रूव सम पॉइंट, विच आई थिंक इज इवन बेटर, लाइक दैट इज माई रिस्पॉन्स टू इस्लामोफोबिया, कि आपने अगर अज्यूम कर लिया है कि एक इस तरह से एक रिएक्शनरी बंदा ये ड्रेसअप कर सकता है, तो आपके अजम्पशंस आर नॉट माई फॉल्ट, द स्टीरियोटाइप्स दैट आर इन योर हेड इट्स नॉट माई बर्डन टू क्लैरिफाई देम, इट इज़ योर बर्डन, सो आई गो अबाउट द वर्ल्ड एज आई वुड लाइक टू, बाकी दे नीड टू लर्न मोर प्रॉब्ली। तो ये जो इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया है इंडिया में, आई थिंक ये
हम सबके अंदर होता है, जैसे कि इंटरनलाइज सेक्सिज्म होता है तो वो औरतों के अंदर भी होता है, तो इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया मुस्लिम्स के अंदर भी होता है और उसको अनलर्न करने की ज़रूरत होती है, जो कि अब धीरे धीरे आई थिंक आजकल जब इस लोग इसकी बात कर रहे हैं तो इस्लामोफोबिया को हम सबसे पहले अनलर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तब हर चीज़, हर वो चीज़ जो ये दिखा सकती थी कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं उसको थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करती थी। और बाकी मेरे आसपास के लोग भी, मतलब लैंग्वेज, वोकैबुलरी से लेकर आपके खाने तक, इनफैक्ट आप कहाँ रहते हैं, उस जगह का नाम क्या है, तो ये हर चीज़ जो कि किसी को ये सोचने में मजबूर करेगी कि यार ये तो मुस्लिम इलाके से आते हैं, ये मुसलमानों वाला खाना खा रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं। लंच में आप जो है नॉन वेज नहीं लेके जाएंगे, अगर आपके घर में बिरयानी बनी है तो आप सिर्फ चावल लेके जाएंगे, आपकी मम्मी आपको उसमें से मीट निकाल कर अलग करके सिर्फ चावल दे देंगी ताकि आपके आसपास के लोग अनकंफर्टेबल फील ना करें, ताकि वो ये ना सोचे कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अलग हैं। हमारी कंटिन्यूस कोशिश ये रहती है कि हम उनको दिखाएं कि हम कितना उनके जैसे हैं, उनको ये ना लगे कि हम उनसे बहुत ज़्यादा अलग हैं। लैंग्वेज में हम इस तरह अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं कि, और शायद सब लोग इस तरीके के ना हो, और शायद ये मेरा पर्सनल ही एक्सपीरियंस इस तरह का रहा हो, पर मैंने अपने आसपास के लोगों को भी देखा और मैं अभी तक भी देखती हूँ कि हम जो हमारे खुद के वर्ड्स हैं उनको कम इस्तेमाल करेंगे। हम खाला, फुप्पो, अप्पी, बाजी, इन वर्ड्स को जो है हम थोड़ा पीछे ही रखेंगे और हम दीदी, बुआ, भैया, इन सारे वर्ड्स को जो है हम अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सच भी है और हम अज्यूम भी करके चलते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो ये वर्ड्स नहीं समझेंगे, उन्हें नहीं पता होगा। बल्कि अगर हम बोलेंगे अब्बू, अम्मी जैसे वर्ड्स अगर हमारे मुँह से निकलेंगे तो हम इंस्टेंटली अदर हो जाएंगे, एस्ट्रेंज हो जाएंगे, एलिनेट हो जाएंगे, और वो हम खुद के लिए नहीं चाहते, तो हम खुद ही अपने आप को परमानेंटली सैनिटाइज करते रहते हैं। तो बचपन में ये मैंने देखा है, बड़े होते हुए मैंने देखा, पर खुद मैंने अनलर्न करने की कोशिश करी है कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो लोग अज्यूम करते हैं कि उनके वर्ड्स हमें सारे पता होने चाहिए, जो कि हमें पता भी है, जो कि सही बात भी है, पता होने भी चाहिए। तो जो मुस्लिम मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमारे आसपास के लोगों को आइडियली होनी चाहिए। इनफैक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी मार्कर्स की अगर बात की जाए तो वो इतने सटली लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप जामिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे होंगे, अगर आपने हिजाब डाला हुआ है तो आप उर्दू के स्कॉलर होंगे, अरबिक के स्कॉलर होंगे, या इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर होंगे। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा एम्बेडेड है कि लोग अज्यूम तो ये कर लेते हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी, अज्यूम क्या, जामिया यूनिवर्सिटी है एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया है। JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, JNU में मैंने पर्सनली नहीं फेस किया, मेरा टाइम वहाँ पे 2 साल ही था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सटली फेस किया है व्हाइल आई वाज अ स्टूडेंट, अ स्कॉलर, बट व्हेन आई वेंट फॉर इंटरव्यूज देयर मैंने बहुत ओवर्ट इस्लामोफोबिया वहाँ फेस किया है, वेरी ब्लेटेंट, विच वॉज एब्सोल्युटली ऑन माई फेस। तो वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, पर उससे ज़्यादा शॉकिंग ये था जब जामिया में मेरा प्रपोज़ल, जो कि कुरान की नैरेटिव टेक्निक पे था, जो कि बाकी जगहों पर एक्सेप्ट हो गया था, जिस पे मैंने JNU में एक पेपर लिखा था और मेरे ब्रिलियंट प्रोफेसर उदय कुमार ने उसको सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया था, उस पर बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स भी दिए थे, आगे के लिए एडवाइस भी दी थी। वो सेम प्रपोज़ल दिल्ली यूनिवर्सिटी के MPhil के लिए भी एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन जब मैं जामिया में उसका इंटरव्यू देने गई, आफ्टर आई हैड टेकन एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं बस जामिया में लाइक आई वेंट फॉर द सेक ऑफ इट, तो वहाँ पे आई वाज स्नैप्ड एट, और मुझे एकदम बोला गया था कि इस तरह का प्रपोजल लेकर आपको इस्लामिक डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, या फिर ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के मतलब पर प्रपोजल नहीं है। तो दैट इज़ समथिंग दैट टुक मी लाइक आई वाज टेकन अबैक बाय, लेकिन ठीक है, इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया तो है और
स्पेशली जब आप इतने ज़्यादा मुसलमान दिखते हैं और फिर आप बात भी अगर वो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक स्टीरियोटिपिकल यू नो स्टॉक कैरेक्टर की तरह नज़र आएंगे, जिससे इतना आप नहीं डरते लेकिन आपके सामने वाला मुसलमान डरता है कि ये एक स्टॉक मुस्लिम कैरेक्टर है, तो इसके साथ मैं ख़ुद को एसोसिएट नहीं करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा सेक्युलरिज्म के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कि इंडिया में सेक्युलरिज्म इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पब्लिक स्पेस, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन रिलीजन, और वो एक रिलीजन है द हिंदू रिलीजन, जिसकी प्रेजेंस इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन द पब्लिक स्पेस, जिससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। दे आर द मेजॉरिटी और वो चीज़ एग्जिस्ट करती आई है, लेकिन सेक्युलरिज्म इंडिया में एक वन वे स्ट्रीट होकर रह गया है, जिसमें मुस्लिम्स हैव फॉरएवर बोर्न द बर्डन ऑफ बीइंग सेक्युलर्स, जहाँ पे मुसलमान ये प्रूफ करता आया है कि जो डोमिनेंट कल्चर है वो मेरा भी कल्चर है, जो डोमिनेंट हिंदू कल्चर है वही इंडियन कल्चर है, ये सिनोनिमस हो गई हैं चीज़ें। तो मुसलमान इस चीज़ को एक्सेप्ट करता आया है और उस तरफ उस वन वे स्ट्रीट पर मुसलमान आगे बढ़ता आया है, लेकिन दूसरी साइड से लोग कभी इस तरफ नहीं आए ये समझने के लिए कि इनका कल्चर क्या है, थोड़ा सा इसको भी अडाप्ट कर लेते हैं। जिससे मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं मेमोर्स पढ़ रही थी, जो कि जिससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि वो जो जितने भी वो राइटर्स थे जिनके मैंने मेमोर्स पढ़े वो सारे कल्चरल मुस्लिम्स ही थे, हु प्राइडेड इन द कल्चर मुस्लिम आइडेंटिटी। उन सब ने यही चीज़ मेंशन करी थी कि इंडिया पहले कितना सेक्युलर हुआ करता था, हमारे घर में जो है हमारी घर में जितनी भी औरतें थी वो साड़ी पहना करती थी और राम और कृष्ण जी के ऊपर अवधि में गाने गाए जाते थे। तो रिपीटेडली यही चीज़ मैं एज अ कोइंसिडेंस सारे मेमोर्स में पढ़ रही थी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ठीक है मुस्लिम्स ने अडेप्ट किया असिमिलेट किया हिंदू कल्चर में खुद को, लेकिन उस तरफ क्या हो रहा था, वर दे ऑल्सो अडेप्टिंग टू अस वेदर बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इट, नहीं उस तरफ जो है वो जो गैप है बिटवीन देम एंड बिटवीन अस वो अपनी तरफ से उसको लगातार बढ़ा रहे थे और हम अपनी तरफ से उस गैप को लगातार ब्रिज करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई थिंक दिस इम्पास बिटवीन अस ट्रेवर्सिंग दैट वन वे स्ट्रीट एंड देम नॉट मेकिंग एन अटेम्प्ट टू डू द सेम इज़ वेयर इस्लामोफोबिया लाइज, क्योंकि उस तरफ से कोई अटेम्प्ट नहीं होता, उस तरफ से कोशिश यही होती है कि वो अपने में ही आपको वेलकम कर लें लाइक एट बेस्ट एंड एट वर्स्ट ऑफकोर्स, कि वो नहीं चाहते कि आप भी असिमिलेट करें और वो भी ना करें, वो गैप बढ़ता चला जाए। तो जो कि दोनों ही बर्डन इवेंचुअली मुस्लिम्स पर ही आ जाता है। फिर एंड में मैं इस चीज़ के ऊपर आई थिंक थोड़ी शायद कम बात हुई होगी कि अकेडमिया में मार्जिनलाइज लिटरेचर्स पर डिस्कशन होता है, रेसिज्म पर, कास्टिज्म पर, क्लासिज्म पर एक डिस्कोर्स है अकेडमिया पे जिस पर बात होती है, पीपल टेक पार्ट इन इट, लेकिन द डिस्कोर्स ऑन इस्लामोफोबिया इज स्टिल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। और इसका रीज़न ये है कि मुस्लिम्स का मार्जिनलाइज स्टेटस जो है अभी उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया गया है। सो पीपल अराउंड अस स्टिल फील के अभी इतना ज़्यादा शायद मार्जिनलाइज है ही नहीं, या फिर इस्लामोफोबिया एक अकेडमिक डिस्कशन वॉरंट ही नहीं करता। सो इफ़ यू वेंचर टू डू दैट, उनको लगता है कि ये टेरिटरी अभी देर आर अवर्स टू दैट टेरिटरी, कि हम इसमें अभी नहीं जाना चाहते, या तो इसके स्कॉलर्स नहीं हैं, या फिर आप सिर्फ यू नो लिटरेरी एंगल पर बात करें, आप उठा के लाएँ कि कैसे मुस्लिम औरतों ने लिखा, और वो ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा रोमांटिसाइज इसलिए यू नो मुस्लिम वुमेन्स राइटिंग एंड हाउ मुस्लिम वुमेन वर लिबरेटिंग देमसेल्व्स, ये रोमांटिसाइज इसलिए क्योंकि इससे एक ये आइडिया मिलता है कि बाय डिफॉल्ट नेचुरली तो मुसलमान औरतों को दबाया ही जा रहा था और उनको कुछ करने की फ्रीडम नहीं दी जा रही थी, तो जब उन्होंने लिखा नेचुरली दे वेंट अगेंस्ट यू नो व्हाट वाज लेड आउट फॉर देम, उनको दबाया जा रहा था बट दे लिबरेटेड देमसेल्व्स and they left their religion or they started writing। तो क्योंकि उसके अंदर एक ये आपको
स्ट्रेन मिल जाता है पकड़ने के लिए, तो ये चीज़ है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको इनकरेज किया जाएगा। बट जहाँ वो बात करते हैं कि मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी इन इंडिया, दैट इज समथिंग दैट पीपल आर स्टिल वेरी ऑफ, तो ये चीज़ इनकरेज नहीं है। जो कि मैंने अपने रिसर्च में देखा दैट पीपल आर अवर्स टू व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, और स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं रियलाइज हुआ क्योंकि लाइक इन माय नाइविटी आई वाज अज्यूमिंग दैट एकेडमिया इज अ वेरी लिबरेटेड फील्ड जहाँ पे आप किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं इफ़ यू हैव सॉलिड ग्राउंड्स टू टॉक अबाउट इट, इफ़ यू कैन साइट योर सोर्सेज, इफ़ यू आर प्रॉपर इन योर स्कॉलरली क्रेडेंशियल्स, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो ये इनहेरेंट बायस जिसके लिए मुझे अक्यूज़ किया गया कि क्योंकि ये मेरी सब्जेक्टिव पोजीशन है तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँगी तो नेचुरली इसके अंदर मेरी रिसर्च में बायसेस होंगे। बट आई डोंट थिंक वी डू द सेम टू दलित स्कॉलर्स। इन फैक्ट व्हेन दलित स्कॉलर्स टॉक अबाउट यू नो दलित लिटरेचर और द रिसर्च ऑन इट, हमें लगता है कि इसको एक क्रेडिबिलिटी मिल गई है बिकॉज दिस पर्सन हैज़ सब्जेक्टिवली प्रॉब्ली ऑल्सो बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट। बट ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम मुस्लिम्स को नहीं देते हैं, और ऐसा कोई भी रिसर्चर मेरे ख्याल से नहीं होगा जो कि रिसर्च में जिसके पर्सनल बायसेस नहीं जाएंगे, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस। बट ये नेचुरली अज्यूम कर लेना कि एज मुस्लिम्स यू आर ट्राइंग टू यू नो रीच अ सर्टन कंक्लूजन, इसलिए आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी एज मुस्लिम स्कॉलर्स इन अकेडमिया कॉन्स्टेंटली फेस। हम कॉन्स्टेंटली ये चीज़ प्रूव कर रहे होते हैं कि मैंने बहुत ऑब्जेक्टिवली रिसर्च करी है। इन फैक्ट आई वॉन्टेड टू स्टडी मेमोज रिटन बाय मुस्लिम्स ऑन मुस्लिम लाइफ लिव लाइक थ्रू आउट इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू पिक अप स्कॉलर्स एंड थ्योरिस्ट दैट वर नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि ठीक है मैंने नैरेटिव्स तो उठा लिए थे मुसलमानों के, बट उसके ऊपर जो डिस्कोर्स या फिर जो थ्योरीज थी, आई ट्राई टू यूज़ थ्योरीज बाय नॉन मुस्लिम्स एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स उसको एक अनबायस्ड क्रेडिबिलिटी देने के लिए। ये मेरी कोशिश थी और परमानेंट अब मैं ये प्रूव करती हूँ कि इट हैज़ बीन डन ऑब्जेक्टिवली। और क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज़ में या फिर इसके ऊपर किसी भी अकेडमिक सर्कल में बात कर रही होती हूँ तो क्वेश्चन ये होता है कि Why are you only looking outwards? Why are you not looking inwards? आप मुसलमान औरतों की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, और जो कमियाँ आपकी खुद की कम्युनिटी में हैं आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं? नाउ दैट यू हैव अ प्लेटफॉर्म और नाउ दैट यू रीच अ सर्टन पोजिशन इन लाइफ, डोंट यू थिंक दैट यू शुड वर्क ऑन लिबरेटिंग द वुमेन ऑफ योर कम्युनिटी फ्रॉम द क्लचेज ऑफ योर कम्युनिटी? बेसिकली यू शुड लाइक देव बिन ट्राइंग टू डू, देव बिन ट्राइंग टू सेव मुस्लिम वुमेन फ्रॉम मुस्लिम मैन। तो अब आपको ये कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। बट हम पेट्रियार्की को साथ साथ ही वी आर ट्राइंग टू फाइट इट वाइल फाइटिंग इस्लामोफोबिया दैट इज़ ऑल अराउंड अस। बट दिस आइडिया दैट एवरीबडी अराउंड अस हैज़ अ राइट टू एजुकेट अस बिकॉज वी आर द मार्जिनलाइज कम्युनिटी और वी शुड ऑलवेज लुक लाइक विक्टम्स, मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि मार्जिनलाइजेशन पे एक डिस्कोर्स क्रिएट हो तो एक आइडियल विक्टम जैसे भी हम दिखने चाहिए, यू नो अगर हम ये दिखाएंगे कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं तो दैट विल मेक अस यू नो फॉल आउट ऑफ दैट आइडियल विक्टमहुड। और वो आइडियल विक्टमहुड ऐसा है कि हम परपेचुअल विक्टम्स रहें, पीसफुल प्रोटेस्टर्स रहें, हम कोई भी चीज़ जो है लॉ के बाहर ना करें, इवन दो द लॉ इज़ इनहेरेंटली बायस्ड अगेंस्ट अस। इन फैक्ट देयर इज समथिंग दैट आई से इज़ दैट इंडियन सिस्टम्स आर इनहेरेंटली इस्लामोफोबिक। सो व्हेन लास्ट टाइम यू नो पीपल रिजॉइसिंग कि इतने मुस्लिम्स आईएएस ऑफिसर्स बन गए हैं, उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, ऑफकोर्स इट इज़ समथिंग टू रिजॉइस, हमारी रिप्रेजेंटेशन हर लेवल पर होनी चाहिए, बट just having representation does not mean that there will be any changes on the ground. ye ek mere tokenism ho jayega aur agar hum khud ko isi se satisfy karne lag jayenge then I don't think we are going to reach anywhere. because I was looking at those mock interviews jo IAS ke hote hain aur usme repeatedly jitne bhi muslim candidates aa rahe the unse
इस्लाम के बारे में या फिर मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उनसे इराक और ईरान पर सवाल किए जा रहे थे और उनसे पूछा जा रहा था कि मुस्लिम औरतों को इस्लाम में पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं है। दोज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वर पुट फोर्थ। और जो इंटरव्यूज थे, ऑब्वियसली खुद को रैशनल दिखाने के लिए दे हैड टू क्रिटिसाइज देयर ओन आइडेंटिटी, दे हैड टू क्रिटिसाइज दैट अदर साइड। वो ये नहीं कह सकते थे कि मुस्लिम वुमेन आर नॉट एजुकेटेड इनाफ और आर नॉट इन स्कूल्स और इन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि व्हेन यू आर मार्जिनलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज़ डू नॉट रीच यू। और जब अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचती भी है तो वहां तक आपको जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क डबली हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ। मेरे पास सारे क्रेडेंशियल्स हैं, बट जस्ट बिकॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट ड्रेसिंग अप लाइक अ मुस्लिम, आई सॉ द होस्टिलिटी, आई हैव पर्सनली फेस्ड इट। तो मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रही हूँ, आई पर्सनली फेस्ड इट दैट यू आर रिड्यूस्ड टू योर आइडेंटिटी। यू नो समवन एल्स ड्रेसिंग अप एज द रिलीजन यू नो विल नॉट बी रिड्यूस्ड टू दैट आइडेंटिटी, बट आई सर्टनली सॉ दैट हैपनिंग टू माई सेल्फ वेयर then you have to work doubly hard to prove yourself that no, you're a critical rational thinking human being, but that is the benefit that is not accorded to us. In fact, I think the note that I would like to end my talk with is the fact that in our country Muslim identity is penalized, it is criminalized, and it is expected to be invisibilized, जहाँ पे हर इंसान ये कोशिश कर रहा है कि इसको आप टोन डाउन कर लें, इतना ज़्यादा ना दिखे। थिंग्स आर चेंजिंग अ लिटिल बिट नाउ, बट दिस वाज हाउ इट यूज्ड टू बी, और अभी भी है, बहुत ज़्यादा अभी भी है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। इनफैक्ट दिस इनविजिबलाइजेशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, जो ये हिजाब बैंस हम सुनते हैं इनके बारे में, विच हैपन इन फ्रांस अर्लियर एंड नाउ डेनमार्क, ये सब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इन अ पब्लिक स्पेस Muslims should not look like Muslims or nobody should look like a Muslim. उस identity को थोड़ा tone down कर लें, आप दबा लें, इतना ज़्यादा खुलकर ना दिखाएं। तो जहाँ पर Muslim identity को penalize, criminalize और invisibilize किया जा रहा है, I think वहाँ पर to exist as a Muslim and especially a visible Muslim is an act of resistance in itself. तो I mean I think we are already like living very hard lives in India, जहाँ हर step पर हम while talking about you know Islamophobia we also have to prove that we are not coming from a place of prejudice or bias, we constantly have to prove that we are critical rational thinking beings, जहाँ पर हम इस्लाम को भी उतना ही criticize करेंगे जितना हम Hinduism criticize करेंगे। In fact whether you criticize Hinduism or not, to prove that you are a rational Muslim, you need to criticize Islam, you need to criticize the ills that are there within the Muslim community. And why do people assume that we don't do that? Most of us, I think, most of us who are educated, those are our constant discussions within our community. When we sit and talk, those are the things that we try to uncover and unlearn and try to teach our parents. So I think इस्लामोफोबिया पे मुस्लिम का रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी एक्नॉलेज दैट इस्लामोफोबिया इज़ वेरी रैम्पेंट इन इंडिया एंड इट इज़ नॉट अ टर्म दैट हैज़ बीन ओवर यूज्ड। इन फैक्ट आई थिंक इट नीड्स टू बी यूज्ड अ लॉट मोर दैन इट इज़ बीन यूज्ड टुडे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई टॉक एंड थैंक यू अगैन फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस।